हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट मैक्रोनी। बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप नाश्ते के लिए बना सकते हैं, मॉर्निंग में बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं। तो बनता भी बहुत टेस्टी है, बच्चे आपके बहुत पसंद करेंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आप वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, अब जो पानी हमारा गर्म हुआ है, इसके अंदर हम मैक्रोनी को ऐड कर लेंगे। हमने इसमें दो करीब के आसपास हमने दो कटोरी के आसपास हमने मैक्रोनी ली है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कितना बनाना चाहते हैं। ये हमने जो है अपनी वेजेस ले लिए हैं मैक्रोनी के लिए। ये हमने हाफ शिमला मिर्च ली है और एक गाजर ली है और एक लिए हमने बड़ा मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। और हमने जो हरी मिर्च जो ली है हमने बीच में से कट कर लिया है, जिसमें से मैंने दो हरी मिर्च कट की है। और ये हमने दो टमाटर लिया। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा ना उबल गया अच्छे तरीके से, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। तो इसको चेक करेंगे ना आप, तो बहुत बढ़िया तरीके से ये दबना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अच्छी तरह से ये आपका उबल गया है। तो अब इसको उतार लेंगे हम। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। और तो क्वांटिटी के हिसाब से रिफाइंड ऑयल लगेगा इसके अंदर, जितना आपको बनाना है उसके हिसाब से ही तेल लगेगा। तो ये हमने थोड़ा सा ले लिया है तेल। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे, जिससे डाइजेस्ट भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम मैदा हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा। अब हमने जो हरी मिर्च काटी थी स्लाइसेस में वो डाल रहे हैं। अब इसी के साथ हम ऐड कर देंगे अपना प्याज फाइन चॉप किया हुआ। प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो गई है, तो अब इसके अंदर जो हमने वेजेस काटी थी वो इसमें ऐड कर लेंगे। हमने इसमें अब गाजर ऐड कर ली है और शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इन वेजेस को ना ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें आपका कच्चापन जो रहेगा ना, तो हमारी जो मैक्रोनी है उसमें बहुत टेस्टी स्वाद आएगा, क्योंकि ज़्यादा पक जाने पे अच्छा स्वाद नहीं आएगा। इसलिए हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। अब हम इसमें अपना जो टमाटर हमने काटा था, अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक अपना ऐड करेंगे। 1 चम्मच के आसपास हम अभी नमक डाल रहे हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। हम 1/2 चम्मच करेंगे हल्दी पाउडर। अब हम इसमें करेंगे 1 चम्मच के आसपास धनिया पाउडर। हल्का सा इसमें डालेंगे हम अपना गरम मसाला, इससे थोड़ा सा स्वाद आ जाए। अब इसी के साथ हम अपना ऐड करने जा रहे हैं टमाटो केचप। 2 टेबलस्पून हमने लिए हैं बड़े, आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें जो होगा रेड टमाटो केचप से इसमें आपको बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो दोस्तों देखिए, हमारी वेजीज है ना पक गई है अच्छी तरीके से। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है आपको, हल्का कच्चा रखना है। और इसके बाद हम अपने मैक्रोनी को ऐड कर लेंगे इसके अंदर। करने के बाद इसको मिला लेंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों इसको ना हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि अच्छी तरीके से जो मसाले हमने रेडी किए थे और वेजेस वो मिल जाए इसके अंदर आपके मैक्रोनी में। तो दोस्तों देखिए, हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। देख रहे होंगे कितना बढ़िया बना हमारा ये। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उससे क्या होगा कि अगर हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।